Hello friends, I'm Dr. Vikram Sharma and I'm consultant arthroscopic surgeon and sports medicine specialist at SportsMed Fortis Escott Hospital, Jaipur. SportsMed is the department of arthroscopy and sports medicine which is here at Fortis, and we provide here all the comprehensive sports medicine services including arthroscopic surgery and sports rehabilitation, enhancement, anti-doping counseling, sports nutrition, sports psychology, everything. So in this talk, we will be talking about common questions जो कि patients हमसे पूछते हैं कि arthroscopic surgery होती है तो उसमें क्या होता है, किस तरह से होती है, किस कितना stay होता है, तो आज हम उन सभी विषयों पर बात करेंगे। पहला सवाल जो कि बहुत common होता है कि ये surgery किस तरह से की जाती है। If I talk about two common surgeries, one is ligament, anti-cruciate ligament and the meniscus. तो एंटी क्रूशिएट लिगामेंट, जैसा कि हमने पिछले टॉक में बात किया था कि जब भी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होता है, एक्सेसिव ट्विस्टिंग होता है, लिगामेंट का एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होता है, तो लिगामेंट जरूर से ज़्यादा खींच के एक तरह से डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम इलास्टिक को ज़्यादा खींचते हैं तो वो बेकार हो जाती है। तो सिमिलरली, जब भी ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो घुटने के लिगामेंट में ओवर स्ट्रेच करके ये इंजरी हो सकती है और उसका परिणाम ये होता है कि वो लिगामेंट नॉन फंक्शनल हो जाता है। मेडिकली उसे बोलें तो दिस इज लिगामेंट टीयर, लिगामेंट का टूटना। सो नाउ व्हाट इज द रेमेडी? इफ देयर इज अ कंप्लीट लिगामेंट टीयर, देन द सर्जरी वुड बी आर्थ्रोस्कोपिक लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। मतलब वो लिगामेंट रिपेयर नहीं हो सकता है, हमें उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सो व्हाट वी मीन विद द रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन मीन्स आपके शरीर में से मांसपेशी लेके उसका लिगामेंट बना के पुराने लिगामेंट की जगह पे उसको लगाया जाता है। सो द प्रोसीजर इज नोन एज आर्थ्रोस्कोपिक लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। और ये जो पूरा सर्जरी होता है ये दूरबीन के मदद से किया जाता है, आर्थ्रोस्कोप से किया जाता है, जिससे कि ज्वाइंट को उसमें बहुत ज़्यादा खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सिर्फ 2 या 3 होल से ये सर्जरी की जा सकती है। दूसरी बात इसमें हम लोगों से पूछी जाती है कि इसमें किसी किस्म का कोई इम्प्लांट लगाया जाता है क्या? तो इसका जवाब है यस, ऑफ कोर्स वी यूज़ इम्प्लांट्स फॉर दैट। और वो इम्प्लांट 2 तरह के होते हैं। एक तो उसमें बटन होता है जो कि थाई बोन यानी फीमर की तरफ लगाया जाता है, और एक स्क्रू होता है जो कि जनरली अब्जॉर्बेबल होता है, मतलब वो शरीर में पिघल के ख़त्म हो जाता है। ये इम्प्लांट्स का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो लिगामेंट, मतलब मांसपेशी का जो लिगामेंट हमने आपके शरीर में लगाया है, इनिशियली यूनियन होने तक वो अपनी जगह पे स्थिर रहे। यूनियन से हमारा मतलब ये होता है कि जब हड्डी से उस लिगामेंट में सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, मतलब हड्डी एक तरह से उस लिगामेंट को पकड़ लेती है, तो वो लिगामेंट वैसे एक्ट करता है जैसा कि हमारा प्रीवियस लिगामेंट था। तो इसका समय सीमा क्या होती है? जनरली एक लिगामेंट को सामान्य यूनियन में 6 हफ्ता यानी कि 1.5 महीने का समय लगता है। 6 महीने में इसमें स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है और 10 से 12 महीने में इसमें स्ट्रेंथ में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ACL, एंटी क्रूशिएट लिगामेंट सर्जरी के बाद का एक जो सामान्य प्रोटोकॉल होता है कि 6 हफ्ते तक हमको ब्रेस बांध के रखना होता है, 6 महीने हल्का स्पोर्ट्स आने में लगते हैं, और फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स के लिए हमें लगभग 10 महीने का समय इसमें लगता है। ये इसका सामान्य प्रोटोकॉल होता है। एक सवाल और हमसे बार बार पेशेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि किसी फिजियोथेरेपी की इसमें आवश्यकता पड़ती है क्या? यस, ऑफ कोर्स, इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और सही तरीके से फिजियोथेरेपी इसमें होना अत्यधिक आवश्यक होता है। Day 1 से ही फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको घुटना 0 to 90 degree, 90 डिग्री तक इसमें मोड़ दिया जाता है और आपको फर्स्ट डे ही खड़ा करके वॉकर की सहायता से चलाया जाता है। हालांकि ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और डिपेंड करता है कि यदि लिगामेंट के साथ में मेनिस्कस का भी सर्जरी होता है या 2 लिगामेंट का सर्जरी होता है तो ये प्रोटोकॉल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल के बारे में भी काफ़ी क्वेरीज होती हैं कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद क्या होता है, पेशेंट्स को सर्जरी किस तरह से होती है, ऑपरेशन थिएटर में कितना टाइम लगता है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिंपल एंटी क्रूशियट लिगामेंट का सर्जरी इज़ नॉट अ वेरी लेंथी सर्जरी. दिस हार्डली टेक्स अराउंड 30 to 40 मिनट्स.